सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवा वहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आज फाल्गुनी वसंती नवसश्रेष्ठी का बहुत ही पवित्र दिन है और शारदीय नवसश्रेष्ठी से लेकर के वसंती फाल्गुनी नवसश्रेष्ठी तक, होली दिवाली जिनको हम कहते हैं, भारतीय सभी पर्व यज्ञ के साथ जुड़े हैं और इस समय भी खेतों में फसलें अब पक रही हैं, पक गई हैं और उनको यज्ञाग्नि में उनकी आहुतियां अर्पित करके, हम छोटे बालक थे तब भी हमने देखा गेहूं की से लेकर के और चने से लेकर के सब यज्ञाग्नि में उनकी आहुतियां दे करके तब फिर आगे उनको उपयोग में लाते थे। जैसा श्रीमद् भगवद गीता में कहा, यज्ञ शिष्टासिनः संतः मुच्यन्ते सर्व किल्बिषये भुञ्जते तु अघम् पाप ये पंजन्ति आत्म कारण। तो हवन के बाद ही हम किसी भी प्रकार का भोजन, जो भी खेत खलिहानों में भगवान के अनुग्रह से अन्न ब्रह्म जो हमें उपलब्ध होता है, उसको ब्रह्म के को अर्पित करके फिर हम उसका उपयोग किया करते थे, उपभोग किया करते थे। आज यहाँ बहुत आनंद हर्ष का ये दिन है जब पतंजलि योगपीठ परिवार के नन्हे मुन्ने 2-3 साल के बालक बालिकाओं से लेकर के पतंजलि गुरुकुलम और आचार्य कुलम देश नहीं पूरी दुनिया में पूरे कोरोना काल में चलने वाला एकमात्र शिक्षा संस्थान पतंजलि गुरुकुलम और आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय के हमारे युवक युवतियों के लिए पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज और वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम के हमारे सभी पूज्य सन्यासी, हमारे सभी श्रेष्ठ आचार्यगण, आज श्रद्धे आचार्य श्री की पावन सन्निधि और हमारे सभी पतंजलि संस्था के वरिष्ठ, हमारे सभी अभिभावक रूप और आज चंडीगढ़ से विशेष रूप से हमारे गुरुकुलीय परंपरा में ही शिक्षित दीक्षित भाई अभिमन्यु जी सब परिवार आए, उनका भी एक बार सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। और आप भी पुराने याजी को चलो बैठो, आप भी तो इधर ही साथ में हवन करो दोनों ही। ये आचार्य जी पूरे आर्यवीर दल के तृतीय वर्ष प्रशिक्षित प्रधान शिक्षक भी रहे और पूरे जो है योग यज्ञ में पूरे निष्णात। और आज सभी हमारे आचार्य प्राचार्यगण यहाँ एक साथ उपस्थित हैं। तो आज हमारे साथ जब हम होली और दिवाली पतंजलि में मनाते हैं तो पूरा देश होली और दिवाली कैसे मनानी चाहिए सही अर्थों में वो हमसे सीखता है और पूरा देश पतंजलि का अनुसरण करता है, ये हमारे लिए गौरव की बात। होली और दिवाली का यज्ञ कैसा होता है वो पतंजलि से सीखता है। आज हमारी पूज्य साध्वी देवाणी जी, हमारी बेटी सुरभि जी, हमारे सब बालक बालिकाएं बहुत हर्षोल्लास से कुछ भजन आदि भी की प्रस्तुतियां आज इस अवसर पर प्रस्तुत करेंगे। तो आइए एक बार सभी राष्ट्रवासियों को होली की शुभकामनाओं के साथ आज का ये मंगल गीत यहाँ से प्रस्तुत करते हैं। तो बहुत बहुत अभिनंदन संपूर्ण देशवासियों को, सबके जीवन में होली के रंग, योग के रंग, अध्यात्म के रंग, प्रभु भक्ति के रंग, राष्ट्र भक्ति के रंग, जीवन में सत्य प्रेम करुणा के रंग,
पुरुषार्थ और परमार्थ के सब प्रकार के दैवी संपद के रंगों से रंगे हुए हों सबके जीवन, सबके जीवन में दिव्यता के रंग हों, जीवन में उमंग हो, उत्साह हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज के एक भजन के साथ आज के इस मंगल यज्ञ का प्रारंभ करें। तालियों के साथ
फसलों का मुदित मना धन धान्य संग हवन करे नव सस्यों का अबीर गुलाल लेके फूलों की माल लेके गीत सुर ताल लेके आयो 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 फागुन मन भावन हो फागुन मन भावन फागुन मन भावन बाल बाल की नटखट डोले रंग रंगाए नाचे गाए गली गली में कीच मचाए वीर समीर गंध पूरित मन हुआ रंग में तन मन जीवन फागुन बहुत बहुत अभिनंदन हो जाए बच्चों के। तो जो प्रकृति से लेकर के इस देश का अन्नदाता जिस रूप में होली को जीता है वही स्वर यहाँ हमारे वैदिक गुरुकुलम की बहनों ने दिए और मिथिला में राम खेले होली आचार्य कुलम के बच्चे उनके लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। और हमने हवन के आगे और पीछे भजन को सजो दिया है जिससे कि भजन पूर्वक हवन और हवन के बाद फिर भजन तो ये तो उत्सव है और इसमें बेटियों में भी बहुत दिव्यता है। अभी और बहुत भजन शेष हैं जो होली के ही इस उत्सव को ध्यान में रख कर के जिन्होंने भजनों को बनाया भी है उसको अच्छे स्वरों से सजाया भी है और गाया भी है। तो चलिए आचार्य कुलम के बच्चों का एक बार जोरदार अभिनंदन कीजिए। जोरदार अभिनंदन नहीं है तो थोड़ा मंद है ऐसे। और वैदिक चैनल से लेकर के आस्था भजन से लेकर के अनेक चैनलों पर अभी सीधा प्रसारण हो रहा है। आज शाम तक ये चलेगा और सारा देश पतंजलि के साथ होली का रियल जो इंस्पिरेशन के साथ एक अपने वास्तविक स्वरूप में मूल स्वरूप में अपने पर्वों को कैसे मनाया जाता है वो भी पतंजलि से देख देश सीखता है और एंजॉय करता है अपने रियलिस्टिक वे में अपने पर्वों को। जी बच्चों मिथिला में राम के लिए होली
कृष्ण जी सबको होली खिला दी है। अब आ जाओ बच्चों, अब पतंजलि विश्वविद्यालय के बच्चों की होली और ले लेते हैं। एक एक पहले लिया हमने, एक एक बाद में लेंगे। तो एक बार पतंजलि विश्वविद्यालय के लिए भी विश्वविद्यालय जैसी ऊंची ताली बजा दे भाई, और जोर से बजा दे। तब तक वो आ जाएंगे मंच पर, विराजमान हो जाएंगे। आज एक एक गीत हमने प्रारंभ में वैदिक गुरुकुलम आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय, अब पतंजलि गुरुकुलम का नंबर बाद में रखेंगे, और ये भजन हमारे भीतर उमंग पैदा करते हैं, भजन हमारे हृदय को तरंगित करता है, क्योंकि संगीत का सीधा संबंध हमारे हृदय से होता है, हमारी आत्मा से होता है, और इसीलिए हमारी वेद की ऋचाओं से लेकर के, वेद वाणी से लेकर के अधिकांश हमारे गुरुओं के ऋषियों की वाणी जो है वो सब संगीतमय है। तो ये भी बच्चे अपने मन के हर्ष को यहाँ पर स्वर दे रहे हैं, तो आइए प्रारंभ करते हैं। है
हर्षा दिया सबको बच्चों ने। तो दूसरा भी तुम ही गाने वाले हो या दूसरे हैं? अच्छा वो अगला है, तो उनको बाद में अवसर देंगे। चलो भाई, इन्होंने सबके मन को खूब हर्षाया और जो चुपचाप बैठे हैं उनको टारगेट करके भी बताया भाई तुम क्यों चुप बैठे हो। तो कुछ हमेशा ऐसे गुमसुम से मायूस से होकर के ऐसे नहीं बैठना, हमेशा उत्साह में और उत्सव में ही जीना है। तो आज के इन भजनों के साथ अब संकल्प पाठ पूर्वक आज का यजन हमारे आचार्य कुलम के आचार्य प्रारंभ करवाते हैं। ओम। सभी अपने बाएं हाथ में जल लीजिए। संकल्प पाठ पूर्वक यजन प्रारंभ करते हैं। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो दिवसे द्वितीये प्रहरोत्तरार्धे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे एकवृन्दषण्णवटिकोटि अष्टलक्षत्रिपञ्चाशत्सहस्र एकविंशत्युत्तरशततमे सृष्टिसंवत्सरे सप्तसप्तत्युत्तरद्विसहस्रतमे प्रमादिनाम विक्रम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिर ऋतौ फाल्गुन मासे शुक्लपक्षे पौर्णिमायां तिथौ भार्गववासरे भूरादि सप्तलोकानां अन्यतमे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्तत शान्तर्गते उत्तराखण्डप्रान्ते पावनगङ्गायाः पवित्रतीरे हरिद्वारमहातीर्थसमीपे स्थिते पतञ्जलियोगपीठस्य द्वितीयचरणे योगभवने पवित्रयज्ञवेदिकासु वासन्ति नवसस्येष्टि विशिष्टहवनं श्रद्धया भक्त्या शान्त्या धैर्येण च करिष्यामहे। सर्वे बद्धाञ्जलिं कुर्वन्तु। हे प्रभो कार्यमिदं सफलं निर्विघ्नं सुसंपन्नं भवेत्। अथ आचमनम्। ॐ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ॐ अमृताभिधानमसि स्वाहा। सत्यं यशः श्रीमै श्रीशयतां स्वाहा। सर्वे वामहस्ते जलं स्वीकुर्वन्तु। ॐ वामहस्यस्तु ॐ नसूर्मे प्राणो चक्षुरस्तु ॐ कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु ॐ बाहोर्मे बलमस्तु ॐ ओर्वोर्मा ओजोऽस्तु ॐ
ईश्वरस्तुति। अथेश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु वा यद्भद्रं तन्न आसु वा हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदा धार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषाविधेम या आत्मदा बलदायस्य विश्व उपासते प्रशिशय्यस्य देवाः यस्य छाया मृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषाविधेम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्रा च जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम येन द्यो रुद्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तवितै येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम प्रजापतेन त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयोरयीणाम् स नो बन्धर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशाणास्तृति ये धामन्नद्यै नयन्त अग्नेनय सुपथारा ये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणवेनो भूयिष्ठा ते नम उक्तिं विधेम इति ईश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना। वेद की इन ऋचाओं में भगवान की हम स्तुति करते हैं कि प्रभो आप इस संपूर्ण सृष्टि के कर्ता नियंता आश्रयदाता और संपूर्ण मनुष्य और मनुष्य इतर जड़ चेतन जीव जगत के सर्वोपरि आराध्य और सबके हृदय में सब प्रकार की दिव्य प्रेरणा देने वाले सबको दिव्य ज्ञान से दिव्य ऊर्जा से दिव्य शक्तियों से संपन्न करने वाले आप ही एकम एव अद्वितीय हैं और प्रभु सब नाम रूपों में सब स्वरूपों में सब विश्वमय रूप में आप ही हैं और इसके परे विश्वातीत परात पर ब्रह्म भी प्रभु आप ही आपसे अधिक महान गुणवान ऐश्वर्यवान और कौन है इस संसार में प्रभु हम सब आपकी शरणागत हैं और जब हम भगवान की शरणागति में भगवान की स्तुति करते हैं तो भगवान से हमारी प्रीति बढ़ती जाती है और क्योंकि सब कुछ की करने का ज्ञान प्रेरणा शक्ति सामर्थ्य भगवान ही देते हैं सारे संबंधों इस घर परिवार संसार व्यापार में जो कुछ हो रहा है इस व्यवहार में इसके आधार प्रभु आप हैं तो फिर अभिमान किस बात का तो हम प्रभु से ही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम आपके यंत्र बने और निरंतर आपके प्रतिरूप बन करके आपने जैसा हम सब जीवों के लिए कर्तव्य निर्धारित किए हुए वैसे हम पुरुषार्थ करते रहें ऐसी हम प्रार्थना करते हुए निराभिमानिता पूर्वक भगवान के साथ एकात्म होकर के जीते हैं ये
उपासना है। तो महर्षि दयानंद कहते हैं भगवान की स्तुति से भगवान से प्रीति बढ़ती है, प्रार्थना से निराभिमानिता आती है और उपासना से हम भगवान के साथ एकात्म होकर के योगस्थ आत्मस्थ ब्रह्मस्थ होकर के भगवान के यंत्र प्रतिरूप बनकर के प्रतिनिधि बनकर के हम इस धरती पर भगवान ही के साम्राज्य का विस्तार करते हैं। ऐसे हम प्रतिदिन भगवान की स्तुति प्रार्थना उपासना पूर्वक अपने यज्ञ का हम प्रारंभ करते हैं। आज भी इस यजन का प्रारंभ करते हुए क्योंकि आज विशेष यज्ञ है और इस आज के इस यजन की विशेष 31 आहुतियाँ भी हैं, उससे पहले दैनिक यज्ञ का संपादन करते हैं दीप प्रज्वलन के साथ। ॐ भूर्भुवस्वः। और दीप प्रज्वलन के बाद अग्निध्यान के लिए कर्पूर प्रज्वलित करके यज्ञ वेदी में स्थापित करेंगे और प्रभु से साथ साथ प्रार्थना भी करेंगे कि जैसे यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित होकर के अंधेरे को दूर करती है, मेरे भीतर ज्ञान की अग्नि, ज्ञान की ज्योति, भक्ति की ज्योति, कर्म पुरुषार्थ की ज्योति, सब प्रकार की दैवी संपद की ज्योति प्रभु निरंतर प्रज्वलित रहे, हम प्रार्थना करते हैं। ओम भूर्भुवस्वर्द्योरिव भूम्नां पृथिवीव वरेण्णां तस्यास्ते पृथिवीदेवयजने पृष्ठे अग्निमन्नादमन्ना द्यायादधे। ॐ उद्भुध्यस्वाग्ने प्रतिजाग्रहे त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेतामयञ्च अस्मिन् सदस्थे अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदता। ॐ अयन्तरित्मा आत्मा जातवेदस्ते निध्यस्ववर्धस्वचेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नवमा। ॐ समिधाग्न्यं नवस्यदभृतैर्बोधयदातिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतना सुसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम। ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विश्च स्वाहा इदमग्नयेऽङ्गिरसे इदन्नमम। पंच घृताहुतियाँ प्रदान करेंगे और जीवन में हमें अपना ऐसा स्वभाव बनाना चाहिए कि हम जिस समय जो कर रहे हैं वो पूरे समाहित होकर के करें। मैंने बचपन से ऐसा अभ्यास किया है, जब योग किया तो पूरे योग में समाहित होकर के ही किया, चाहे इंडिविजुअल प्रैक्टिस की, चाहे आज कलेक्टिव प्रैक्टिस कर रहे हैं लाखों करोड़ों लोगों के साथ। योग किया तो पूरा योग किया, यज्ञ किया तो पूरा यज्ञ में समाहित हो गया, और जब अध्ययन किया विद्याभ्यास किया तो विद्याभ्यास में पूरा खो गया। और यहां पर भी आपको तीन व्रत, तीन तरह के अभ्यास विशेष कराते हैं, विद्याभ्यास, योगाभ्यास और व्रताभ्यास। सब सीधे बैठ करके पंच घृत आहुतियों के मंत्रों से एकाग्र चित्त होकर के पूरी ऊर्जा से ऊर्जान्वित होकर के उत्साह से आइए
मंत्र पाठ करते हुए और मंत्र के एक एक शब्द के साथ एकात्म होकर के जब हम मंत्र पाठ करेंगे तो जीवन के समस्त भौतिक और आध्यात्मिक ऐश्वर्य से हम युक्त होते हैं। ऐसा यज्ञ का, वेद का, भगवान का विधान है। ओम अयंतरिक्षमा आत्मा जातवेदस्ते नेत्रस्वर्धस्वचे धवर्धयचास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधयस्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नवमा। ॐ अयन्तरिक्षमा आत्मा जातवेदस्ते नेत्रस्वर्धस्वचे धवर्धयचास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधयस्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नवमा। ॐ अयन्तरिक्षमा आत्मा जातवेदस्ते नेत्रस्वर्धस्वचे धवर्धयचास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधयस्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नवमा। ॐ अयन्तरिक्षमा आत्मा जातवेदस्ते नेत्रस्वर्धस्वचे धवर्धयचास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधयस्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नवमा। ॐ अयन्तरिक्षमा आत्मा जातवेदस्ते नेत्रस्वर्धस्वचे धवर्धयचास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधयस्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नवमा। पंचकृत आहुतियों के उपरांत अब जल प्रोक्षण करेंगे। ॐ अदिदेनु मन्यस्वा अनुमतेनु मन्यस्व सरस्वत्यनु मन्यस्व देवसवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। यजन करते हुए चारों ओर जल प्रोक्षण करते हैं, क्योंकि ये सारी सृष्टि अग्नि और सोमात्मक है। अग्नि सोमात्मकम इदम जगत, और इसमें एक तरफ हमारे जीवन में विनय हो तो दूसरी तरफ वीरता हो, एक तरफ हमारे जीवन में शौर्य हो तो दूसरी तरफ धैर्य हो, ये शांति और क्रांति के पुरुषार्थ के परमार्थ के अभ्युदय निःश्रेयस के योग और कर्म योग के प्रवृत्ति और निवृत्ति के दो छोर हैं। इन दो छोरों पर ये जीवन का प्रवाह निरंतर प्रवाह मान रहे, इसी संकल्प के साथ आगे चार घृत आहुतियाँ अर्पित करते हुए फिर दैनिक अग्निहोत्र और फिर आज का होली का विशेष अग्निहोत्र हम निष्पन्न कर रहे हैं। ॐ अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्नवमा। स्वाहा इदं सो
होमाय इदन्नवमः ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नवमः ॐ इन्द्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदन्नवमः ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निस्वाहा ॐ अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चस्वाहा ॐ स्वाहा ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्रात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेत स्वाहा ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्नवमः ॐ भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्नवमः ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्नवमः ॐ भूर्भुवस्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्नवमः ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो स्वाहा ॐ यामेधां देवगणापितरश्चोपासते त्वया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देवसवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुः स्वाहा ॐ अग्नेनय सुपथारायेव स्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोज्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठा ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। अब गायत्री मंत्र से सभी आहुतियां प्रदान करेंगे और एक भी कंठ मौन न रहे। हम सब प्रज्ञावान बने, मेधावी बने, रितंभरा से दिव्य मेधा से युक्त रहें। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतान् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतान् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतान् स्वाहा ॐ सुतायामरदा वेदा
माता प्रचोदयन्ताम् पावमाने द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजापशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। राष्ट्र के योगक्षेम के लिए सभी राष्ट्रवासी, सभी विश्ववासी सुखी हों, समृद्ध हो, संस्कारवान हो, सबके जीवन में देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व आए, इस प्रार्थना के साथ सबके योगक्षेम की प्रार्थना। ओम ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसे जायता महाराष्ट्रे राजन्यशूर इषव्यो दिव्याधि महारथो जायता दोग्धेधेनर्वोढा नट्वा नाशः सप्तिः पुरन्धर्योषा जिष्णो रथेष्ठाः सभे यो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेनः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो नवोषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदं नमः। ॐ राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदं नमः। ॐ राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदं नमः। ॐ राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदं नमः। शारदी आज फाल्गुनी वासंती नवसष्टी की विशेष आहुतियां। ओम शतायुधाय शतवीर्याय शतोतये अभिमातिशाहे शतयोनः शरदो अजीयादिन्द्रो नेषदति दुरितानि विश्वास्वाहा। ॐ ये चत्वारः पथयो देवयाना अन्तराद्या वा पृथिवी विहन्ति तेषां यो आज्यानिमजेति मा वहात् तस्मै नो देवाः परिधत्तेह सर्वं स्वाहा। ॐ ग्रीष्मो हेमन्त उतनो वसन्तः शरद्वर्षासु वितन्नो अस्तु तेषां ऋतूनां शतशारदानां निवात एषामभये स्यामः स्वाहा। ॐ इद्वत्सराय परिवत्सराय संवत्सराय कृणुता बृहन्नमः तेषां वयगुं सुमतौ यज्जियानां योगजीवा अहता स्यामः स्वाहा। ॐ पृथिवी द्यौ प्रदिशो दिशो यस्मै द्युभिरावृताः तमिहेन्द्रमुपहवे शिवानः सन्तु हेतयः स्वाहा। ॐ यन्मे किञ्चिदुपेप्सितमस्मिन् कर्मणि वृत्रहन्न तन्मे सर्वं समृद्ध्यतां जीवतः शरदः शतगुं स्वाहा। ॐ सम्पत्तिर्भूतिर्भूमिर्भृष्ट्यैश्चैष्ठ्यगुं श्रेष्ठ्यगुं श्रीः प्रजाम्यहावतु स्वाहा। इदमिन्द्राय इदं नमः। ॐ यस्याभावे वैदिकलौकिकानां भूतिर्भवति कर्मणाम् इन्द्रपत्नीमुपह्वये सीता सा मे त्वनपायिनी भूयात् कर्मणि कर्मणि स्वाहा। इदमिन्द्रपत्न्यै इदं नमः। ॐ अश्वावती गोमती सोन्धृतावती विभर्ती प्राणभृता अतन्धृता
खलमालिनिर्मुरुवरामस्मिन् कर्मण्युपव्यये ध्रुवां सामे त्वनपायिनी भूयात् स्वाहा इदं सीतायै इदं नमः ॐ सीतायै स्वाहा श्यामकाश्चमे गोधूमाश्चमे मसुराश्चमे यज्ञेन कल्पन्ता स्वाहा ॐ वाजो नः सप्त प्रतिशतस्रो वा परावतः वाजो नो विश्वैर्देवैर्धनसाभ्यः विहावतु स्वाहा ॐ वाजो नो अद्य प्रसुवाति दानं वाजो देवारितो ऋतुभिः कल्पयाति वाजो हि मा सर्ववीरं जजान विश्वाश वाजपतिर्जयेयं स्वाहा ॐ वाजः पुरस्तादुतमध्यतो नो वाजो देवाः विशाशावर्धयाति वाजो हि मा सर्वभीरं जकार सर्वा आशा वाजपतिर्भवेयम् स्वाहा ॐ सीरायुञ्जन्ति गवयो युगावितन्वये पृथा धीरा देवेषु सुम्नयौ स्वाहा ॐ युरक्तशीलाभियुगातनोतर्तृते यो नोपते हबीजम् विराजः सृष्टिः सभरा असन्नो नेदीय इत्सृण्यः पक्वमायवन् स्वाहा ॐ लाङ्गलं परिवरवत्सु सीमं सोमसत्सरो उदित्वपौवामवीं प्रस्थावद्रथवाहनं पीबरीं च प्रपथव्यम् स्वाहा ॐ इन्द्रः सीतां गृहाताम् पूषाभिरक्षतु सा नः पयस्वती दुहामुत्तरामुत्तरां समाहां स्वाहा ॐ शुनं स्वबालावितदन्तु भूमिं शुनं कीनाशा अनुयन्तु वाहनान् सुनासीराः विषातोषमाना सुपिप्पला ओषधिः कर्तमस्महे स्वाहा ॐ शुनं वाहा शुनं नरः शुनं कृशतुलाङ्गलम् शुनं वरत्राबध्यन्तां शुनमश्रामुदिङ्गय स्वाहा ॐ शुनासीरेहस्मेशेषाम् यद्दिवि चक्रधूपयस्तेनामुपसिञ्चतं स्वाहा ॐ सीते वन्दामहे त्वावाची सुभगे भव यथा नः सुमना असो यथा नः सुफला भुवः स्वाहा ॐ घृतेन सीता मधुना समक्ता विश्वैर्देवैरनुमता मरुद्भिः सा नः सीते पयसा भ्यावृत्स्वोर्जस्वती घृतवद्विन्द्वमाना स्वाहा ॐ इन्द्राग्निभ्यां स्वाहा इलमिन्द्राग्निभ्याम् इलं नमः ॐ विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा इलं विश्वेभ्यो देवेभ्यः इलं नमः ॐ सृष्टमग्ने
अभितत्प्रणीहि विश्वाश्च देवः पृतना अभिष्यग सुगन्नपन्थां प्रतिशन्न एहि ज्योतिष्मध्ययजरं न आयुः स्वाहा। अब सुष्कित आहुति के लिए जो हव्य हैं उसको सब ले लेंगे अपने हाथ में, और यज्ञ भगवान से और ये सारी सृष्टि रूपी यज्ञ उस भगवान का विराट यज्ञ जो चल रहा है, यह सारी सृष्टि ही सुखमय हो, हम केवल पतंजलि योग पीठ के सुख समृद्धि शांति और वैभव के लिए ही प्रार्थना नहीं करते, हम केवल भारतवर्ष ही नहीं इस संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये सारा विश्व आप ही इसके कर्ता नियंता आश्रयदाता और सबके पिता प्रभु आप हैं, आप सबके जीवन में सब प्रकार का स्वास्थ्य सुख समृद्धि सफलता विजय और सब प्रकार का सौभाग्य प्रदान करें, इस संकल्प के साथ आइए सृष्टि की आहुति प्रदान करते हैं कि ये होली सबके जीवन में सब प्रकार की समृद्धि और खुशहाली लेकर के आए, खेत खलिहानों से लेकर के सब प्रकार के सबके जीवन में वैभव के लिए आइए प्रार्थना करते हैं। ॐ यदस्य कर्मणोत्यरि यद्वानन्योन विहागरम् अग्निष्टसृष्टकृद्विद्यात् सर्वं सृष्टं सुहृतं करोतु मे अग्नये सृष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वाण्यः कामान् समर्धय स्वाहा। इदमग्नये सृष्टकृते इदन्न मम। एक मौन आहुति। ओ पूर्णिमासी की आहुतियाँ। पूर्णिमायाः विशेष आहुतयः। ॐ अग्नये स्वाहा। ॐ अग्निसोमाभ्यां स्वाहा। ॐ विष्णवे बोली
स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ में सार हो इदन्न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो प्रेम रस में मग्न हो कर से संसार सब दुखिया रहे न कोई यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होए विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर राग द्वेष से चित्त मेरा को सौभाग्य दूर मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश आशा तेरे धाम की बनी रहे ममरी पाप से हमें बचाइए कर दे दया दयाल अपना भक्त बनाएंगे सबको करो निहार दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार हृदय में धीरज वीरता सबको दो करदान नारायण प्रभु आप हो पाप के मोचन हार क्षमा करो अपराध सब कर दो भव से पार पारिधार साधु संगत सुख दीजिए दया नम्र दाना साधु संगत सुख दीजिए दया नम्र दाना ऐसे हम यजन करते हुए और अपने पूर्वजों की भांति विद्यावान होकर के शीलवान होकर के विनयवान होकर के विनयशील और पराक्रमी होकर के वीर होकर के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए ये यज्ञ की अग्नि जैसे निरंतर ऊंचा उठने के लिए हमें प्रेरित करती है ऐसे हम अनुप्राणित रहें अपने दिव्य संकल्पों से। एक संकल्प गीत आचार्य कुलम की बेटियां गाती हुई हमें अभी तो और संभलना है ऋषि दयानंद के सपनों को हमें तो सब मिलके गाओ ना है ना ठीक है चलो मिलके गाते हैं समूह गीत और इसके बाद पतंजलि विश्वविद्यालय के बालक तैयार रहेंगे। अभी तो और संभलना है अभी तो और संभलना है अभी तो और संभलना है अभी तो और संभलना है
सपनों को स्वामी दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। हो संकट देश धर्म पर अपना फर्ज चढ़ाए, जब हो संकट देश धर्म पर अपना शीश चढ़ाए। प्राण भले ही जाए, प्राण भले ही जाए, सतपथ से ना डगना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। और ऋषि दयानंद के सपनों को स्वामी दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। अमृत के बदले जो दे रहे हमें जहर का प्याला, अमृत के बदले जो दे रहे हमें जहर का प्याला। चल न सके संकल्प यही अंजाय न सहना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। दयानंद के सपनों को स्वामी दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। पाखंडों के बंधों से उनको है हमें बचाना, पाखंडों के बंधों से उनको है हमें बचाना। भूले भटके मिले जहाँ में, भूले भटके फिरे जहाँ में राह दिखाना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। हाथ उठाइए। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। ऋषि दयानंद के सपनों को स्वामी दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है। अभी तो और संभलना है, 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 अभी तो और संभल महर्षि देव दयानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम चंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की, सभी महापुरुषों की, भारत माता की, गौ माता की, वेद माता की, गायत्री माता की, ऐसे अपने मन में जोश जुनून उत्साह भरा रहे और अपने पूर्वज ऋषि शिखाओं वीर वीरांगनाओं के सपनों को पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्ध रहे, उत्साह से भरे रहे। इसलिए हम उत्सव और पर्व मनाते हैं कि पूर्णता से परिपूर्ण रहे। तो आइए अब पतंजलि विश्वविद्यालय के बालकों का फिर से एक बार और अभिनंदन कीजिए, बालिकाओं का।
पर्व यज्ञ में होली का, करो परस्पर तिलक प्रेम की रोली का। ओ आया मंगल पर्व यज्ञ में होली का, आया मंगल पर्व यज्ञ में होली का, करो परस्पर तिलक प्रेम की रोली का, करो परस्पर तिलक प्रेम की रोली का। झोली का बांटो प्रेम प्रसाद आज निज झोली का, करो परस्पर तिलक प्रेम की रोली का। ओ आया मंगल पर्व यज्ञ में होली का, आया मंगल पर्व यज्ञ में होली का, करो परस्पर तिलक प्रेम की रोली का, करो परस्पर तिलक प्रेम की रोली का। प्रस्तुति दी बेटियों ने, और अब श्रद्धे आचार्य श्री का आज का मंगल आशीष, और उसके बाद पूज्य साध्वी देवाणी जी और सुरभि जी, और फिर प्राचार्य जी का गीत, और श्रद्धे आचार्य श्री के आशीषों के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, और फिर गीत के साथ आपके लिए पुष्पों की होली तैयार है। तो आज पुष्पों की होली होगी, और कल आपके अपने अपने परिसर में श्रद्धे आचार्य जी ने आपके लिए नेचुरल कलर्स भी तैयार कर रखे हैं।
परम श्रद्धे वंदनीय पूज्य स्वामी जी महाराज, बाहर से आए हुए अतिथिगण, हमारे संस्थान के सभी वरिष्ठ पूज्य संत साध्वीगण और सभी हमारे विश्वविद्यालय, आयुर्वेद महाविद्यालय, वैदिक गुरुकुलम और आचार्य कुलम के सभी प्यारे बच्चों, आज का जो दिन है, आज और कल जो दो दिन हैं, ये होली के विशेष दिन माने जाते हैं हमारे परंपरा में, शास्त्रों में। जैसे अभी श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा कि इसको हम फाल्गुनी नवसष्टी के रूप में प्राचीन काल से ही मनाते आ रहे हैं। होली में हुड़दंग, नशा, कीचड़, गारा, इस तरह की जो विकृतिपूर्ण अवधारणाएं हमारी संस्कृति के मूल अवधारणा के विरुद्ध है, और लोगों ने जाकर के ये तक कहना शुरू कर दिया कि होली का त्यौहार तो ये हुड़दंगों का है, शूद्रों का है। ऐसा नहीं है कि सारे हमारे त्यौहार और पर्व, उसके पीछे एक साइंस है, एक विज्ञान है, और उस विज्ञान के आधार पर हम अपने परंपराओं को, अपने पर्वों को मनाते रहे हैं। तो हमारी संस्कृति के विकृति को दूर करने का काम भी इस पतंजलि योगपीठ परिवार से होता है, श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में। पर्व का मूल स्वरूप क्या है, पर्वों की महत्ता क्या है, जीवन के साथ उनकी उपयोगिता क्या है, इस बात को भी पतंजलि परिवार के द्वारा पूरे देश और दुनिया को बताया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसा दुष्प्रचार करने में लगे होते हैं कि जैसे मैंने कहा कि हमारी संस्कृति के विकृति को देख करके, उन विकृति विकृत परंपराओं को आधार बना करके हमारे संस्कृति के ऊपर आक्रमण और आघात करने का प्रयास किया जाता है, तो वही अज्ञानी लोग उसी को ही परंपरा मानने लग जाते हैं। बहुत तरह की किंवदंतियां हैं, मान्यताएं हैं। ये भी माना जाता है कि होली का एक तरह से दहन की बात को, तो बहुत सारे हमारे भाई बहनों में जिनको पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति हम लोग कहते हैं, उनको ऐसा प्रस्तुत किया जाता है कि अगाड़ी जातियों ने पिछड़ी जातियों को जो दबाने का प्रयास किया था, उन्हीं को कालांतर में इन्होंने पर्व बना दिया। इस तरह की विकृत मानसिकताएं भी समाज में फैलाने का प्रयास किया जाता है। तो इन सब विकृतियों को, इन अंधविश्वास और पाखंड के साथ साथ में इन दुर्भावनापूर्ण चीजों को भी समाप्त करने का कार्य यह पतंजलि योग पीठ, इसके द्वारा संचालित विभिन्न संस्थानों में अध्ययनरत सभी भाई बहनों के द्वारा ही होगा, यह हमें पूरा विश्वास है। और विशेष करके देखें, ये फाल्गुनी नवसष्टी, आज आप देखते हैं कि खेतों में हमारी जो फसलें हैं, गेहूं है, चना है, ये चारों ओर लहला रही हैं, और लगभग कई जगह पर फसल कट चुका है, कई जगह पर कटने को है। तो जब फसल घर में आने पर उत्सव और उमंगता को मनाने के लिए किसान इस तरह के पर्वों का आयोजन करते थे, इस परंपरा को ही फाल्गुनी नवसष्टी या होली पर्व कहा जाता है। प्रकृति परमात्मा की उपासना के साथ प्रकृति का सम्मान करते हुए, उस प्रकृति से जीवन के उत्थान और उन्नयन के साथ कैसे उमंग को जोड़ा जाए, ये हमारे ऋषियों को पता था, हमारे पूर्वजों को पता था, तो उसका पर्व है ये होली। तो आज हम उस पावन पर्व को, उन ऋषियों की, उन पूर्वजों की परंपरा को, उसी परंपरागत
दिव्यता के साथ हम मना रहे हैं। हमारे सारे कार्य यज्ञ के द्वारा संपन्न होते हैं। सभी शुभ कर्म आप सब ने यज्ञ किया। उत्साह और उमंग के साथ में प्रार्थनाओं और भजनों का गायन किया, और विशेष करके क्योंकि यह पर्व मैं एक तरह से कहूँ तो वह किसानों का पर्व है, क्योंकि यह अनाज पैदा होकर के घर में लाने का पर्व है। तो किसान जब फसल घर में आने के बाद में जो उमंग मनाता है, और इस समय पर आप देखते हैं कि नए नए पुष्प टेशू है, प्लास है, दूसरी चीज़ें हैं, वो प्राकृतिक रूप से उनमें से जो रंग निकलता था उस पानी से, क्योंकि यह ऋतु परिवर्तन का समय है, आयुर्वेद की दृष्टि से यदि विविध तरह की जड़ी बूटियाँ सुगंधित और पुष्पों के द्वारा उन जल के द्वारा यदि हम स्नान करते हैं, लेप करते हैं, तो विविध तरह के रोगों से भी हम बच सकते हैं। तो होली के पर्व का यह प्रयोजन था, पर विकृत होकर के कहाँ सुगंधित पुष्पों और लेप की कहानी थी, कहाँ गोबर और कीचड़ में जाकर के समाप्त हो गया। तो ये हमें विचारने की बात है, विचार करके इन विकृतियों को दूर करने की जिम्मेदारी भी वह आप और हम सब की है। और इस आस्था संस्कार और वैदिक के माध्यम से इस कार्यक्रम को जो देख रहे हैं पूरे देश और दुनिया के, उन सभी भाई बहनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। यूं भी अभी कोरोना का समय है, बहुत तरह के बैक्टीरिया और वायरस अपने आप ही बढ़ रहे हैं, तो इन बैक्टीरिया और वायरस को समाप्त करने के लिए पर्व तो निमित्त बनना चाहिए। होली के हुड़दंग से नहीं, होली की यज्ञ से देश का निर्माण होगा, होली के यज्ञ से हम राष्ट्र को दिव्य और भव्य बनाएंगे। और एक, क्योंकि मैं आज सोच रहा था, कई सारे कार्य श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में पतंजलि योगपीठ के द्वारा चलता ही रहता है, निरंतर चलता है, बहुत सारे कार्य हैं। बहुत सारे देश के लोगों को, भाई बहनों को भी पता नहीं होता है, क्योंकि किसानों की बात है तो हम देखते हैं आज भी किसान कोई आंदोलन कर रहा है, सरकार भी अपनी तरफ से उनको एक तरह से उनको संतुष्ट करने का, उनका समाधान का प्रयास कर रही है। दोनों तरह से प्रयास चलने पर भी कहीं ना कहीं एक दूरी और संवादहीनता की स्थिति निरंतर बनी हुई है। यह इस देश के लिए या किसानों के लिए या सरकार के लिए शुभ नहीं है, यह हम सब जानते हैं। हम पतंजलि योगपीठ परिवार की तरफ से भी किसानों के लिए भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, क्योंकि होली जैसे मैंने कहा, ये किसानों को लक्ष्य रख करके भी यह पर्व है। तो किसानों के लिए जहां विषमुक्त जहर मुक्त जैविक उत्पाद के लिए श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट काम कर रहा है, वहीं पर ही विविध तरह के बायो कंपोस्ट, बायो कल्चर के साथ साथ में गोमूत्र के द्वारा विविध तरह के खाद और कीटाणुओं को नाश करने वाले उत्पादों को हम प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं। तो उसके साथ में पूरे देश के लिए, क्योंकि एक बड़ी समस्या है, आज तकनीक तो उन्नत हो गई है परंतु किसानों की समस्याएं ज्यों की त्यों हैं। विशेष करके आज भी बहुत सारे किसान भाई आते हैं, वो यही पूछते हैं कि हम क्या लगाएं अपने खेतों में जिससे हमको अपने उपज का सही मूल्य मिले। हम कह देते हैं कि एलोवेरा लगा लो, एलोवेरा की डिमांड तो उतनी है, जब शुरू शुरू में एलोवेरा नहीं था, एक एक एकड़ में एक एक भाई ने एक एक लाख रुपए का आमदनी किया, पर अभी ऐसी स्थिति आ गई है कि देश के बहुत सारे किसानों ने एलोवेरा लगा दिया है, वो प्रॉफिट घट करके कई जगह तो ऐसी स्थिति आ गई है कि वो एलोवेरा उठाने के लिए भी लोग नहीं है। तो ये बड़ी समस्या है। पहले मूसली का रेट बहुत था आयुर्वेद में, 8,000 रुपए किलो मूसली बिकी। लोगों ने कहा कि अब हम मूसली लगाते हैं, वो मूसली आज जा करके 500-600 रुपए किलो रह गई। जहां सतावर का रेट कभी कभी 600 रुपया हो जाता है, जैसे पिछले कोरोना के टाइम पर अश्वगंधा और तुलसी का मूल्य बहुत बढ़ गया, यानी जिस तुलसी को हम 20-25 रुपए किलो खरीदते थे वो तुलसी 250-300 रुपए किलो तक गया। तो इस तरह के मैकेनिज्म, क्योंकि किसानों की मजबूरी है, जब एक साल प्याज का रेट बढ़ता है
सारे प्याज लगा देते हैं, अगले बार घट जाता है, लगाना बंद कर देते हैं, फिर अगले बार बढ़ता है, तो किसान यूं ही पीड़ित होता जाता है। तो उसका समाधान, एक ही समाधान है मैं आपको बताना चाहता हूं, और वह सरकार तो प्रयास अपने स्तर पर कर रहे हैं, पर पतंजलि के द्वारा वह एक राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास चल रहा है, वो जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि पतंजलि यह प्रयास कर रहा है और उस पर एक लेवल तक सफल भी हो चुका है। और मैं भारत सरकार का भी धन्यवाद करता हूं, आदरणीय मंत्री जी और सेक्रेटरी साहब का भी, वो भी सहयोग कर रहे हैं। तो हम क्या काम कर रहे हैं कि पूरे देश के अंदर किसी भी उत्पाद की, किसी भी उपज की कितनी डिमांड है पूरे देश के अंदर, और खेत में कितना उपजाया जा रहा है, उसका यदि हम पहले ही उसको प्लानिंग के लेवल पर यदि हम फोरकास्ट कर सकें, उसका एनालिसिस कर सकें, इस मैकेनिज्म के ऊपर पतंजलि काम कर रहा है, उसके द्वारा हम पहले से ही तय हो जाएगा। जैसे अभी किसानों के लिए गन्ने के अलावा विकल्प नहीं है, गन्ना सरकार के लिए कई बार मजबूरी भी है, क्योंकि किसान लगाएगा तो उनको गन्ने के लिए भुगतान भी करना होगा। तो ये बहुत बड़ा गैप है कि क्या उपजाएं, कितनी उपजाएं, कई बार एक्सेस होता है, कई बार शॉर्टेज होता है, उसके लिए पतंजलि के द्वारा आपने, क्योंकि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसको सेटेलाइट के द्वारा, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के द्वारा हम खेत में फसल पकने से पहले ये तय कर सकते हैं कि कौन सी फसल कितनी लगी है, एक गांव के लेवल पर कितना है, एक जिले के लेवल पर कितना है, तहसील के लेवल पर कितना है, प्रांत के लेवल पर कितना है, और पूरे देश के लेवल पर कितना है, ये मैपिंग हम कर सकते हैं। तो एक तो इंफ्रारेड जो टेक्नोलॉजी के द्वारा, सैटेलाइट के द्वारा हम काम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह से क्लाउड के द्वारा, जो क्लाउड के अंदर जो डेटा है पूरा फार्मर्स के अंदर, उसकी आर्थिकी, सामाजिकी, पारिवारिक की क्या स्थिति है, उसकी ज़मीनें कितनी हैं, किस तरह से वो उगा रहा है, हम उसको देख रहे हैं। तीसरा क्लाइमेटिक जोन, एग्रो क्लाइमेटिक जोन, और उसके अलावा यहाँ पर जो टाइप ऑफ सॉयल, मिट्टी की प्रकार के द्वारा हम उस मृदा परीक्षण के द्वारा ये भी तय कर रहे हैं कि किस मिट्टी में किसके उत्पाद करने से किसानों को अधिक फायदा हो सकता है। इसको बड़े स्तर पर पतंजलि के द्वारा काम हो रहा है, और आज होली का पर्व है, ये मैं ऐसा मानता हूँ कि विशेष करके ये किसानों के लिए, पूरे देश के लिए है, पर किसानों का विशेष पर्व है। तो वह दिन भी आएगा इस देश में जब ये वास्तव में, पहले जो हुआ वो अन्न की क्रांति हुई है, मैं उसको कृषि क्रांति नहीं मानता हूँ, क्योंकि उस समय पर अन्न की उपलब्धता कम थी, हमारे पास एक ही उपाय था कि किसी तरह से लोगों को पेट भरें, तो केमिकल और फर्टिलाइजर के द्वारा हमने लोगों को भरपेट भोजन मिले इसके लिए प्रयास किया, पर उसके साइड इफेक्ट भी बहुत हुए, धरती बंजर हो गई, जहरीली हो गई, जल वायु और मिट्टी तक जहरीली हो गई। तो आगे आने वाला जो समय है, सही माने में वह कृषि क्रांति का समय होगा, हरित क्रांति का समय होगा, उस हरित क्रांति का सूत्रपात भी वो पतंजलि योगपीठ के द्वारा ही होगा, श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व के द्वारा होगा। तो यह आज के होली के पावन पर्व पर मैं उन सब किसान भाइयों को, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं वो सरकार किसानों को देना चाहती है, परंतु अभी तक जो व्यवस्था है, मैं पूरी प्रामाणिकता के साथ, क्योंकि एग्रीकल्चर के ऊपर अभी बहुत सारा काम हम कर रहे हैं बाकी कामों के साथ में, अभी क्या होता है, सरकार बीज देती है, सरकार पौधे देती है, तो जो जाता है उसको मिलता है, यानी कि सरकार के पास जिसकी पहुंच है, जैसे गांव का प्रधान है, उसकी टीम है, उनको पहुंच है, उसको पता है, उसको मिल जाती है। जो गरीब किसान है वो जाकर कहेगा भाई खत्म हो लिया, अब तो नहीं है, यानी विविध तरह के सब्सिडियां भी वो लोगों को लेते हैं, जो लगातार ले रहे होते हैं उन्हीं को प्राप्त होता है। हम इस की तरह से काम कर रहे हैं कि पूरे गांव में कितने लोग हैं, कितनों के पास जमीन है, कितने के पास जमीन नहीं है, और मनरेगा से लेकर के पीएम किसान योजना से लेकर के उज्ज्वला से लेकर के जितने भी सरकार की योजनाएं हैं, चाहे प्रांतीय स्तर पर चाहे राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें से कितने लोगों को लाभ मिला है, कितने लोगों को नहीं मिला है, उसको इन डेप्थ जा करके एनालिसिस करने का काम भी पतंजलि कर रहा है। हालांकि यह सरकार का कार्य होता है, परंतु जनता तो हमारी भी है, देश तो हमारा भी है, इसलिए हम इस कार्य को भी
बड़े स्तर पर कर रहे हैं। आने वाले 3-4 महीनों में वो बड़े स्तर पर बड़े रूप में पूरे देश को दिखाई देगा। तो पुनः आप सबको इस होली के पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा आपके जीवन में मंगल करें, खुशहाली और प्रसन्नता लाएं, और हर रोज हर क्षण आप उमंग उल्लास और उत्सव में जीने वाले बने। तो इन्हीं मंगल कामनाओं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत ही अभिनंदन है, वंदन है, आप सबको मेरा प्रणाम है। अब श्रद्धेय स्वामी जी, क्योंकि आप सबका बहुत सौभाग्य है, श्रद्धेय स्वामी जी का पावन सान्निध्य आपको मिला है। सान्निध्य के साथ साथ में उस उमंग को देने के लिए पुष्प के साथ श्रद्धेय स्वामी जी अभी आशीर्वाद के साथ में पुष्प वर्षा भी करेंगे। आप जहाँ हैं वहीं बैठेंगे, और देश के लोग भी जहाँ बैठे हैं वहीं से अनुभव करिए, आनंद लीजिए, आप महसूस करिए कि पूज्य स्वामी जी आपके ऊपर ही पुष्प वर्षा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ओम। तो चलिए भजन का भी आनंद लीजिए, और फूलों की तरह आप सदा मुस्कुराते रहें, और आदर्श पर्व मनाते हुए आदर्श जीवन भी जीते रहें। तो इसके लिए प्रथम बहनों का होली का एक उत्साह भरा उमंग भरा गीत भी, और साथ में जैसे श्रद्धेय आचार्य श्री ने कहा, आप सब तो पतंजलि के पुष्प हैं, भारत माता के पुष्प हैं, और आप ऐसे पुष्पों की तरह अपने सद्ज्ञान की, सद्गुणों की, अपने सब प्रकार की दिव्यता की सुगंध फैलाते रहें। इसके लिए श्रद्धेय आचार्य श्री और हम आपके बीच में उधर आते हैं, और इधर से भजन भी गाते हैं। प्रथम पूज्य साध्वी देववाणी जी और हमारी बेटी सुरभि जी, और फिर प्राचार्य जी देवमयी जी का भजन, और इधर से हम आशीर्वाद देते हैं। नव सृष्टि है होली का दिन छा रहा, होली का दिन छा रहा, वासंती नव सृष्टि है होली का दिन छा रहा, होली का दिन ये दर्शन मन भावन ये वन अनुपमन हुआ प्रकृति में परिवर्तन, खग समूह चहचहा रहा, खग समूह चहचहा रहा, खग समूह चहचहा रहा, वासंती नव सृष्टि ये होली का दिन छा रहा, होली का दिन छा रहा, गरे गरे सा है परिपक्व अन्न धरती पर,
है परिपक्व अन्न धरती पर होली का है शुभ ये अवसर वासंती सस्यों का होम कर यज्ञ संस्कृति दिखा रहा यज्ञ संस्कृति दिखा रहा यज्ञ संस्कृति दिखा रहा वासंती नव सृष्टि होली का रंग छा रहा होली का रंग छा रहा प्रभु भक्ति का पावन रंग ये गुरु आशीष का रम्य रंग ये स्नेह प्रेम प्रीति का रंग ये तन मन जीवन रंगा रहा तन मन जीवन रंगा रहा तन मन जीवन रंगा रहा वासंती नव सृष्टि होली का दिन छा रहा होली का दिन छा मन भावन ये वन रूप वन हुआ प्रकृति में परिवर्तन खग समूह चहचहा रहा खग समूह चहचहा रहा खग समूह चहचहा रहा वासंती नव सृष्टि होली का दिन छा रहा होली का दिन छा रहा है
परिपक्व अन्न धरती पर होली का है शुभ ये अवसर वासंती सस्यों का होम कर यज्ञ संस्कृति दिखा रहा यज्ञ संस्कृति दिखा रहा यज्ञ संस्कृति दिखा रहा वासंती नव का पावन रंग ये गुरु आशीष का रम्य रंग ये स्नेह प्रेम प्रीति कारण ये तन मन जीवन रंगा रहा तन मन जीवन रंगा रहा तन मन जीवन रंगा रहा वासंती नव सृष्टि होली का दिन छा रहा होली का दिन छा रहा गाते हैं गंधर्व मुनि जन धन्यवाद।
चलो तालियां बजा लो आप ही, पूज्या साध्वी देवमयी जी प्राचार्य जी के साथ प्रभु का धन्यवाद करो। प्रभु की धन्यवाद, उस प्रभु।
चलो भाई पूज्य आचार्य जी के लिए भी अभिनंदन कर दो। और अब आज के अनुष्ठान की यही शांति पाठ के साथ पूर्णता। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष घं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। चलो बच्चों अब ऐसे एक भगदड़ मत करो अपने।